प्रैक्टिस, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बदतमीजी क्या होती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारा चांग सब, तुमने मेरी जमीन को किस कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई विल किल यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। शुगा इसी तरह चांगसू को बात पूछता है तो जीवन उसे रोकती है। तुम जानते नहीं हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी आज, तुमने किसे मारा है। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं, जस्ट वेट एंड वॉच। जिंदगी प्यारी है ना, तो चले जाओ यहाँ से, वरना यहीं पर खत्म कर दूंगा। चांगसू प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज अभी जाओ, मैं तुमसे बातें बात करती हूँ। मैं जा तो रहा हूँ पर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर चांगसू वहाँ से चला जाता है। तुम समझते क्या अपने आप को, तुमने इसे क्यों मारा? ज्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए, वो तुम्हें किस कर रहा था और मैं इसे छोड़ देता। मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कर सकता है कुछ भी मेरे साथ। अच्छा क्या कहा तुमने, वो तुम्हारे साथ कर सकता है? शुगा मैं गिर जाऊंगी, प्लीज ऊपर करो मुझे। तुम्हें तो मैं मार ही देता अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम किसी और से प्यार करने लग गए ना। वो चांगसू, कांग्रेचुलेशंस योर न्यू लाइफ। चांगसू से चला नहीं जाता तो वो साइड में बैठ जाता। फिर चांगसू अपने डैड को कॉल करता। डैड मैं हाईवे पर हूँ, जल्दी आइए। क्या हुआ चांगसू, तुम ठीक तो? मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सांगजांग की चांगसू के पास आता है। चांगसू ये सब क्या है, तुम्हारी ऐसी हालत? डैड मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। फिर सांगजांग की चांगसू को घर ले आता है। प्लीज मत रोना जीजू, जल्दी परेशान हो रहे, किसी को बताओ कि क्या हुआ है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाओ मेरे रूम से, लीव मी अलोन। मैं कहीं नहीं जा रही आपको अकेला छोड़कर, बताओ मुझे क्या हुआ है। प्लीज येंसिन मत करो चार, हंसे मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओके जो करना है करो, मैं भी जा रही हूँ टीको बताने। फिर यान जिमिन के रूम से चले जाते हैं। क्या हुआ जिमिन ने कुछ बताया, क्यों रो रही है वो, शांत हुई वो? नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले रहना है। आई थिंक अभी हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, हम उससे कल बात करेंगे। पर मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ, उसे कुछ हो गया तो वो रो रही है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। डोंट वरी जिन, वो कुछ देर अकेली रहेगी तो शांत हो जाएगी। तुम मेरे साथ चलो और यान तुम सो जाओ। ओके जीजू गुड नाइट। मेरी बेटी की ऐसी हालत किसने की, किसकी इतनी हिम्मत? बताओ मुझे कौन था वो जिसने तुम्हें मारा? मुझे नहीं पता डैड, पर वो जो भी था जिमिन का आशिक था, और वो जिमिन का आशिक कोई और नहीं शुगर, किंग ऑफ माफियाज, डबल माफिया किंग का बड़ा भाई। मैंने खुद उसकी सारी डिटेल्स निकाली है। क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी को मारा? लगता है उसके अब अच्छे दिन गए। डैड मुझे माफिया वर्ल्ड में आना है, मुझे मेरी जिमिन को वापस लाना है उस शुगर से। तुम्हें लेना ही होगा उसे, तुम हमारे बेटे हो, हार नहीं सकते। ये मत भूलो हमने कभी हारना नहीं सीखा, जो चीज मिले ना उसे छीन लेना चाहिए। उसने मुझसे मेरे जीवन को छीना, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। जाती हूँ सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। इस वक्त किसका फोन आ गया? हबी का कॉल। हेलो यान,
हेलो जब फोन क्यों किया इस वक्त? कल से हमारे क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्यों ना हम थोड़ा एंजॉय करें फर्स्ट दिन। हाँ वो तो मैं करूंगी, पर तुम क्यों बोल रहे हो? नहीं वो मेरा कहने का मतलब था कि कल का दिन हम साथ में एंजॉय करें। साथ में कैसे? तुमने कुछ प्लान किया है क्या? हाँ मैंने प्लान किया है, क्यों ना हम थिएटर में चले। थिएटर में? क्यों, हम कहीं और भी तो जा सकते घूमने। क्यों का क्या मतलब है? हम मूवी देखने जाएंगे। आई लाइक मूवी। अच्छा हम साथ में मूवी देखेंगे, मूवी रोमांटिक होती है पता है ना। तो क्या हो गया, ऐसे ब्रदर सिस्टर तो देख ही सकते हैं। व्हाई नॉट, एकदम सिब्लिंग्स की तरह ही देखेंगे। फोन रखते हैं, बाय। गुड नाइट भाईयान। आज से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है ना? यस भाई, आज तुम्हारा फिर से एक न्यू डे है, तो इसे एंजॉय करना। आज का दिन अच्छे से बताना ताकि हर दिन अच्छे से बीते। यस भाभी। भाई मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? भाई मैं कॉलेज के बाद थोड़ी देर घूमने जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ? तुम अकेले कहाँ घूमने जाओगे? यान रहेगी ना मेरे साथ, मेरी भाई तो फ्रेंड है। ओके कार्ड के साथ जाना और जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगा। फिर सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जब कॉलेज चला जाता है। टीवी में आप कमरे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई या किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे फोन कर देना। ओके तुम जाओ। ओके मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ तुम जा सकते हो। फिर शुगा कमरे चला जाता है। अब मैं क्या करूँ, मैं फिर से अकेली हो गई। कल तो उन्होंने फोन भी किया था मुझे, आज तो वो भी नहीं करेंगे। फालतू में ही मैंने उनसे लड़ाई कर ली और फोन करने से भी मना कर दिया। अब तो वो फोन भी नहीं करेंगे और मैं तो करने से रही, क्या करूँ मैं? क्या मेरे दो हफ्ते इसी तरह बोरिंग जाएंगे? वो दो हफ्ते के लिए चले गए, 2 वीक्स कुछ ज्यादा नहीं होगा? मुझसे तो लड़ाई कर लिया और अब अकेले सर पटक लिया। कब आएंगे वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी आऊंगा, डोंट वरी स्वीटहार्ट, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। आई मिस यू सो मच घरवाली। हेलो यान, क्या कर रही हो? बुक पढ़ रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं, बैठ जाओ। ओके थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? सॉन्ग सुन रहा हूँ, ये लो तुम भी सुनो। मैं बुक रीड कर रही हूँ, मैं नहीं ले सकती, तुम ही सुनो। ओके एज़ यू विश, मैं सुन रहा हूँ। क्यों बुलाया तुमने मुझे? कुछ बोलोगी, कब से ऐसे ही खड़ी हो? ओके खड़ी रहो ऐसे, मैं जा रहा हूँ। रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। मत जाओ मुझे छोड़कर। क्या मतलब? मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया जिमिन, इन सब के लिए बहुत देर हो गई है और तुमने किया। प्लीज शुगर ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। हाँ मैंने देर किया, बहुत देर किया, पर मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। मैंने एक बार तुमसे तुम्हारा साथ पहले भी मांगा था, पर तुमने बी के लिए मेरा हाथ छोड़ दिया। तब मैं पागल हो गई थी, बहुत गलत हो गई थी, वी को कोसती थी, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे फिर से मत छोड़ो, मुझे फिर से मत तोड़ो। I love you sugar। कैसे मान लो जमीन, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो उसके साथ नहीं होती। I know sugar, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं पागल हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। I love you। प्यार तो मैं भी तुमसे करता था, पर तुमने मुझसे टाइम लिया ना मुझे तड़पाने के लिए, तो मैं भी लूंगा। अब जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा ना कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया, मैं तब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ऐसा होता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी। ऐ मेरे दिल, फिर ना किसी से इश्क कर। ऐ मेरे दिल, ना उस गली से फिर गुजर। ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने कोई गलती नहीं किया। अब जो मैं करने वाला हूँ ना वो भी गलती नहीं होगी। क्या मतलब, क्या करने वाले हो तुम? उस गली से फिर गुजर। तू सदफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ना दोबारा से वो भूल कर। ऐ मेरे दिल, फिर ना किस
से इश्क कर ए मेरे दिल ना उस गली से फिर गुजर अपने फैमिली का छोटा माफिया मैं ही बनूंगा जंगो को भाई तो डेविल माफिया कहेंगे वो छोटे माफिया थोड़ी बन सकते हैं ओह ऐसी बात है हाबी तो छोटू माफिया किंग ना बने और बनने वाले माफिया कोई शक दो वर्ड की नाम वाली लड़की वायन और तुम चार वर्ड वाले माफिया सपने मत देखो तुम्हारे बस का नहीं है ये सब अब माफिया चार वर्ड का हो या आठ वर्ड का माफिया तो माफिया होता है माफिया जो भी होता है वो बहुत डेंजर होता है तुम तो नहीं हो क्यूट हॉबी माफिया के लिए डेविल बनना होता है जो मेरे जीजू है डेविल माफिया किंग आई नो मेरा भाई डेविल है उनसे कोई नहीं जीत सकता वो तो है ही वन पीस फिर वो तो ऐसे रहते झगड़ते मूवी देख लेते हैं ओके बाय मैं जा रहा हूँ मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा बाय मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगा ये तुमने अभी अभी क्या किया लव यू टेक केयर छोटू माफिया फिर यान अपने घर के लिए चले जाते हैं ये लड़की पागल वागल है क्या कितनी आसानी से चली गई सर घर चले टाइम हो रहा है चलो फिर जब कार्ड के साथ घर आ जाता है कुछ करे क्या क्या करे सादा कुछ नहीं बस वही जो तुम चाहती हो आज तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर देता हूँ मैं चलो चलते हैं लेट्स गो तुम क्या करने की सोच रहे हो चीकी वही जो तुम मेरे साथ करने की सोच रही हो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ किस हेल्प के बारे में बात कर रहे हो तुम तुम्हें नहीं समझ आ रहा है मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ नहीं तुम क्या कर रहे हो जस्ट अ मिनट तुम्हें अभी पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ आह चिकी यू कांट इमेजिन स्वीटहार्ट तुम्हारे साथ अब क्या होगा